हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं फूडी सुजीत ब्रांड। अभी मैं काली स्थान ब्रह्मपुर में हूं, परफॉर्मेंस कोचिंग के पास आ गया हूं। देख सकते हैं यहां पे बच्चे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे कैसे यहां पे पढ़ाने का तरीका क्या है, मतलब हर चीज के बारे में जानेंगे। एक चीज बता देते हैं कि ये जितने भी बच्चा है देश का भविष्य है, इन्हीं पे देश का भविष्य निर्धारित होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं उन बच्चों से जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और इंसान का जिंदगी में तीन चीज बहुत जरूरी होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है शिक्षा। जो शिक्षा से हम पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे हम पूरा दुनिया को बदल सकते हैं। तो चलिए इसी दरमियान हम परफॉर्मेंस कोचिंग में आ गए हैं और इन बच्चों से बात करेंगे, सर का बिहेव तरीका, सिलेबस कब खत्म होता है, ये सारा चीज के बारे में जानेंगे। मैं 2023 की परफॉर्मेंस कोचिंग सेंटर की टॉपर हूँ, रह चुकी हूँ। वृत्त का परिमाप क्या होगा सर? अभी 2 महीना सर, अभी 2 महीना सही पे किया। बाल कुमारी, मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया होता है, बायोलॉजी हिमांशु भैया पढ़ाते हैं, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, डाउट क्लियर करते हैं। और जिन्हें भी सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा है, समझ में आता है क्या? हाँ, समझ में आता है और डाउट भी क्लियर करवाते हैं सर। कब से जुड़ी है परफॉर्मेंस कोचिंग में? 9th क्लास से। डिसिप्लिन, वातावरण कैसा मिलता है? बहुत अच्छा। हिमांशु सर बायोलॉजी कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और डाउट भी क्लियर करवाते हैं यहाँ पे। एक बच्चे को क्यों जुड़ना चाहिए परफॉर्मेंस कोचिंग? यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, आना चाहिए। देखिए, शिक्षा यानी स्वतंत्र है, यानी आप कहीं भी जाके पढ़िए, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत ही बहुत, यानी अभी के समय में हर व्यक्ति को शिक्षा होना जरूरी है। शिक्षा का माध्यम ये नहीं कि आप जॉब कीजिए, शिक्षा एक संस्कार होता है। आप जिस तरह से शिक्षा लीजिएगा उस तरह का आपका संस्कार होगा, यानी शिक्षा एक योग्यता है। आप जितना यानी समय तक आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो जब फर्स्ट उस्ट करने लगे, उस सरकार का पैसा 10,000 रुपया मिलने लगा, बोला कि मैंने फलना को पैसा मिलता है तो हम भी भेजेगा पढ़े बच्चा के। वैसे करते करते आज ऐसा है कि देखिए, अगल बगल के जितने भी गाँव है उसमें ब्रह्मपुर में पढ़ने वाले की संख्या उससे ज्यादा है। सर की निर्भुज में कितने कौन होते हैं? 3। कितने भुजा होते हैं? 3। कितने शीर्ष होते हैं? 3। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। और देख सकते हैं हमारे साथ सनी है। सनी, क्या कहना चाहोगे परफॉर्मेंस कोचिंग के बारे में? परफॉर्मेंस कोचिंग में सभी विषयों के पढ़ाई अच्छा से किया जाता है और यहाँ पर सभी चीज का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाता है। और किसी बच्चा को अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी यहाँ पर कराया जाता है। और यहाँ पर सभी चीज का पहले मतलब कि कोई भी क्वेश्चन बताया जाता है उसके पहले उसका सूत्र पूरा डिफिनेशन के साथ हमके बताया जाता है। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ का डिसिप्लिन कैसा है? बहुत अच्छा। सिलेबस सही टाइम पे खत्म हुआ या नहीं हुआ? हाँ। टेस्ट कितने वीक में कितने बार हो जाते हैं? 5-6 बार महीना में। वीक सप्ताह में 2-3 बार हो जाता है। यहाँ मेरे यहाँ के लोग क्लास 10th 12th पास करने के बाद सोचता था पढ़ाई खत्म हो गया। नहीं, अभी लोग को चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग के कंपटीशन में मेडिकल में इंजीनियरिंग में, जैसे हुआ पारा मेडिकल, पॉलिटेक्निक, AIIT, AAA, वो अब तो खत्म हो गया, अब लेता है JEE, इस टाइप के एग्जाम में IIT तक भेजें। कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ बेसिक देकर ये लोग को पटना चल जाए, जहाँ पे सुविधा इनको मिल पाए पढ़ने लिखने का, वहाँ जाकर तैयारी करें इसका। मैं बबली कुमारी क्लास 11th में पढ़ती हूँ। यहाँ पर सर बायोलॉजी, हिमांशु सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सभी बच्चे को यहाँ आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन और तरह तरह के टेस्ट भी लिए जाते हैं। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मैं ब्रह्मपुर के परफॉर्मेंस कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है, समझ में आता है सर का पढ़ाने का तरीका। पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, यहाँ पे अच्छा से समझाया भी जाता है, समझ में नहीं आता है तो दोबारा से पूछते हैं और सर बताते भी हैं। ब्रह्मपुर के बच्चे में शिक्षा का हुनर है, लेकिन वही है कि यानी अर्थव्यवस्था और परिस्थिति जो है, यानी यहाँ बहुत सारे बच्चे को उलझा के रखता है। यानी सबसे पहले हम सोचे कि यानी हर घर में हर बच्चा पढ़े और यानी हमारा समाज का नाम रोशन कर सके। किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा अभी तक, शुरुआत से और अभी तक? मैंने फर्स्ट टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी मेरे पास व्यवस्था नहीं था, तो नीचे ही बैठाते थे लोगों को। और उसके बाद क्या हुआ, बहुत लोग पढ़ना ही नहीं चाहता था, जबरदस्ती पढ़ाते थे। उसके बाद कुछ हुआ कि
मैंने कुछ यहाँ तो लोग पीता होता बहुत था तो बच्चे पे ध्यान देता नहीं था। हम बोले कि जो आप पीने पीते खर्च करते हो, किताब उताब तो दे सकते हैं आप बच्चे को, तो दिया कुछ लोग। वैसे करते करते अब बहुत आगे बढ़ गया है लोग, अब यहाँ कुल अच्छा स्कोर भी करता है विद्यार्थी। कि जब फर्स्ट टाइम में खोले तो लोग बहुत नहीं पढ़ने वाले थे, बहुत गार्जियन को पढ़ाना पड़ा कि जो तो आप अपना बच्चा को भेजिए, उससे अगर फी होता है दीजिए, नहीं तो नहीं भी दीजिएगा। तो कोचिंग खोलने का पर्पस ये था कि मेरा एक दोस्त था ना, बोला कि जब तुम नहीं आओगे मेरा एरिया में पढ़ने के लिए, तुम यहाँ कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। हमारे एरिया में शिक्षा बहुत पीछे चल रहा था और हम पढ़ लिए तो लगा नहीं कि एक आदमी को पढ़ने से पूरा गांव मेरा पढ़ लेगा। सोचे कि तो हमारे साथ मोहन सर जुड़ेंगे और मोहन सर पढ़ाते हैं इंग्लिश। सर क्या कहना चाहिएगा, एक बच्चा को इंग्लिश पढ़ाना कितना कठिन है? आजकल लोग बोलते हैं कि बिहार में मैथ सबसे ज्यादा बच्चों को समझ में आता है लेकिन इंग्लिश समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो कैसे एक बच्चे को आप कैसे पढ़ाते हैं जो इजी कर देते हैं? इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, मतलब अगर पढ़ाने वाला ठीक है तो ये कमजोर से कमजोर बच्चा को भी सिखा देगा इंग्लिश। अगर बस यहाँ पे भी इंग्लिश पढ़ाया जाता है, बस ए बी सी डी से पढ़ाया जाता है। नाम रूपा कुमारी है, मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ 3 साल से पढ़ रही हूँ और सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं हिमांशु सर। कैसा समझ में आता है कि नहीं? हाँ, अच्छा समझ में आता है। हिमांशु सर का बिहेव कैसा है पढ़ाने में? बहुत अच्छा है। अच्छा, वातावरण कैसा मिलता है, माहौल कैसा मिलता है? यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन ठीक है। मैं जितना का हूँ उतना कम, क्योंकि मुझे यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा महसूस होता है तथा यहाँ पर सभी सुविधा मौजूद है। यहाँ पर प्रोग्राम और कहीं पर भी कुछ होता है तो यहाँ पर मतलब पार्टिसिपेट करने का यहाँ से मौका मिलता है। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा ज्यादा समझ में आया? सबसे अच्छा मैथ साइंस। मैथ और साइंस? हाँ। और हिस्ट्री है भी अच्छा। कहाँ से आती हो? सिमनार से। कैसा लगा सर का पढ़ाने का तरीका और एक साल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा सर का बताओ? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, यहाँ पे मतलब समझ नहीं आता फिर से पूछ सकते हैं, मतलब कोई डाउट भी क्लियर किया कराया जाता है। हाँ, कराया जाता है। यहाँ पे सर का फोन नंबर है, यहाँ पे बोलते हैं कि अगर कोई समझ क्वेश्चन नहीं आता तो आप फोटो खींच के भेज सकते हैं वहाँ पे। अभी तक सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे हमेशा समझा समझा कर पढ़ाया जाता है और समझा समझा कर लिखाया भी जाता है, और किसी को समझ नहीं आता है तो बेझिझक ही पूछ लिया जाता है और सर अच्छा से बताया भी देते हैं। अच्छा है, अच्छे से पढ़ाते हैं, समझा कर पढ़ाते हैं और लिखाते भी समझा समझा कर। कब से पढ़ने आ रहे हो यहाँ पे? 4 साल से। 4 साल से? 6 साल। क्लास 6 से। अच्छा, फी वगैरह कैसा है, नॉर्मल है या हाई है? नॉर्मल है। नॉर्मल है? यस सर। अच्छा, और देख सकते हैं हमारे साथ शिवम खड़ा है और शिवम बताएगा परफॉर्मेंस कोचिंग के बारे में, सर का पढ़ाने का तरीका और डिसिप्लिन कैसा है। यहाँ का डिसिप्लिन और पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, लगता है मुझको यहाँ पर अच्छा से पढ़ा दिया जाता है। यहाँ सभी अंडर रूट एस इनटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ में आता है। और परफॉर्मेंस कोचिंग में क्यों आना चाहिए पढ़ने के लिए? यहाँ पे बहुत अच्छा से पढ़ाया होता है, सारे विषय को पढ़ाया होता है। सर अभी टेस्ट होता है क्या यहाँ पे? होता है। वीक में कितने बार टेस्ट होते हैं? 2 बार। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा है। बिहेव कैसा सर का है? अच्छा है। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? अच्छा लगता है। समझ में आता है क्या? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? 9th में। सर जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और यहाँ का टीचर भी सब बहुत अच्छे हैं, जो भी पढ़ाते हैं सब अच्छे से समझ में आता है। किस क्लास में पढ़ती हो? 8। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? सर बहुत अच्छा है। सर तो बहुत अच्छा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है? पढ़ाने का तरीका ही। समझ में आता है क्या? यस सर। यस सर। अभी क्या नाम है? छोटी कुमारी। सिलेबस खत्म होता है या नहीं होता है? हाँ होता है। टेस्ट वगैरह होता है? हाँ होता है। करण सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। कब से आ रही हो? 1 फरवरी से। क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री। करण सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? अच्छा है। समझ में आता है क्या? हाँ। बताओ 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। 16 का स्क्वायर क्या होगा? 256। 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400। 400 का अंडर रूट क्या होगा? 20। क्या बात है, वाओ। यहाँ का फैसिलिटी कैसा लगा? अच्छा लगता है। पढ़ाने का तरीका सर का कैसा? अच्छा है। डिसिप्लिन कैसा? बहुत ही अच्छा है। क्या नाम है बाबू? अनिकेत कुमार। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा।
अच्छा, कब से पढ़ने आ रहे हो? लगभग 8-9 महीने से। समझ में आता है क्या? कौन सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं? ज्योति सर। ज्योति सर। सिलेबस खत्म होता है? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? 8th क्लास। 8th क्लास में। कब से पढ़ने आ रही हो? जनवरी से। किस क्लास में पढ़ती हो? 8th। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? सर बहुत अच्छा है। सर तो बहुत अच्छा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है? पढ़ाने का तरीका है। समझ में आता है क्या? यस सर। यस सर। अभी क्या नाम है? छोटी कुमारी। सिलेबस खत्म होता है या नहीं होता है? हाँ होता है। टेस्ट वगैरह होता है? हाँ, करण सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। कब से आ रही हो? 1 फरवरी से। यहाँ का फैसिलिटी कैसा लगा? अच्छा लगता है। पढ़ाने का तरीका सर का कैसा? अच्छा है। डिसिप्लिन कैसा? बहुत ही अच्छा है। क्यों पढ़ना चाहिए करण सर के पास परफॉर्मेंस कोचिंग में? भैया मेरे पढ़े, सब मेरे बगल के पढ़े हैं, इसलिए हम भी पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर ही। बिहेव कैसा है सर का? बहुत ही अच्छा है। समझ में आता है क्या? हाँ आता है। सिलेबस खत्म होता है? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? 8th क्लास। 8th क्लास में। कब से पढ़ने आ रही हो? जनवरी से। 11 का स्क्वायर? 121। 25 का? 625। क्या नाम है बाबू? अनिकेत कुमार। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा। कब से पढ़ने आ रहे हो? लगभग 8-9 महीने से। समझ में आता है क्या? कौन सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं? ज्योति सर। ज्योति सर। क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री। करण सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? अच्छा है। समझ में आता है क्या? हाँ। बताओ 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। 16 का स्क्वायर क्या होगा? 256। 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400। 400 का अंडर रूट क्या होगा? 20। क्या बात है बाबू, क्या नाम है? हंसराज। क्या? हंसराज। अच्छा, हंसराज। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। सिलेबस खत्म होता है क्या? हाँ थोड़ा बहुत। डिसिप्लिन है, रूल रेगुलेशन? हाँ सर। समझ में नहीं आता तो सर मारते भी है क्या? हाँ मारते, मतलब थोड़ा बहुत नहीं आता पूछते भी हैं। अच्छा ठीक है। हाँ मतलब जो चिन्ह से माता पूछते हैं सर से। वृत्त का परिमाप क्या होगा सर? ये भी 2 महीना सर। अभी पाई का मान कितना होता है? 22/7। और देख सकते हैं हमारे साथ एक स्माइली बच्चा है जो बताएगा। किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? 8th में। बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला? a+b × a - b। क्या बात है वाओ। मैं परफॉर्मेंस कोचिंग में पढ़ता हूँ, मेरा नाम रोशनी कुमारी है और सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। हम ये क्लास ज्वाइनिंग किया है इसलिए कि सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इसलिए देख सकते हैं अभी हम परफॉर्मेंस कोचिंग में हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे सिस्टेमेटिक तरीके से बैठे हुए हैं, एक अच्छा वातावरण बच्चे को मिल जा रहा है और अपने लक्ष्य का निर्धारित कर रहे हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं बच्चों से कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, ये सारा चीज हम बात करेंगे। सर जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और यहाँ का टीचर भी सब बहुत अच्छे हैं, जो भी पढ़ाते हैं सब अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, यहाँ का वातावरण कैसा मिलता है, माहौल कैसा मिलता है? बहुत ही अच्छा है। क्या नाम है? रिया कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 9th क्लास में। रूट 3 प्रीमे है या प्रीमे है? अप्रीमे है ना। अच्छा, 5/2 क्या है? प्रीमे है। अच्छा, परफॉर्मेंस कोचिंग में ही क्यों पढ़ना चाहिए? सर अच्छे समझाते हैं, अच्छा भी लगता है। टेस्ट वगैरह होता है क्या? हाँ। सप्ताह में कितने बार टेस्ट होते हैं? 2-3 बार होते हैं। कितना मार्क्स लाती हो सो में? सर 80 नंबर लाते हैं। सो में 80 लाती हो? किस सब्जेक्ट में? बायोलॉजी में। बायोलॉजी में। और सब गुल? सर और सब में भी आता है। बैठ जाओ। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मैं बरहपुर के परफॉर्मेंस कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है, समझ में आता है सर का पढ़ाने का तरीका। a+b+c का होल स्क्वायर बोले? हाँ बोलो। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c है। मेरा नाम है शिवानी कुमारी, मैं परफॉर्मेंस में पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? अच्छा लगता है। समझ में आता है क्या? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? 9th में। टेस्ट होता है क्या यहाँ पे? होता है। वीक में कितने बार टेस्ट होते हैं? 2 बार। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा है। बिहेव कैसा सर का है? अच्छा है। सर डांटते भी है क्या? नहीं। कैसा माहौल मिलता है पढ़ने के लिए? बहुत अच्छा। और
परफॉर्मेंस कोचिंग में क्यों आना चाहिए पढ़ने के लिए? यहाँ पे बहुत अच्छा से पढ़ाया होता है, सारे विषय का पढ़ाया होता है। सर अभी सकता हूँ, सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ में आता है। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? समझ में भी आता है और अच्छा भी है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पढ़ने में मन लगता है? मैथ। मैथ लगता है। मैथ का क्वेश्चन करूँ क्या? किस क्लास में बोली तुम? नाइन्थ में। मैथ का क्वेश्चन करूँ क्या? हीरो का सूत्र बताओ तुम। हीरोइन का? हाँ। अंडर रूट एस इनटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा, एस क्या है यहाँ पे? त्रिभुज, अर्ध। हाँ, अर्ध, अर्ध क्षेत्र, अर्ध परिमाप। और देख सकते हैं हमारे साथ शिवम खड़ा है और शिवम बताएगा परफॉर्मेंस कोचिंग के बारे में। सर का पढ़ाने का तरीका और डिसिप्लिन कैसा है? यहाँ का डिसिप्लिन और पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, लगता है मुझको यहाँ पर अच्छा से पढ़ा दिया जाता है। कब से पढ़ने आ रहे हो यहाँ पे? चार साल से। क्लास सिक्स से। अच्छा, फी वगैरह कैसा है, नॉर्मल है या हाई है? नॉर्मल है। नॉर्मल है? यस सर। सर का ट्रीटमेंट बिहेव कैसा लगता है? ठीक लगता है सर। ठीक लगता है, ठीक है। नाइन्थ में सर का पढ़ाने का तरीका समझ में आता है क्या? बहुत अच्छा। सर का बिहेव कैसा है? बहुत अच्छा। टेस्ट वगैरह होता है या नहीं? दो बार। कितने नंबर लाते हो? 50 में 30 लाते हो। बैठ, देख सकते हैं हुडी बच्चा पहना हुआ है और स्मार्ट भी दिख रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम सन्नी कुमार है, मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। सर का पढ़ाने का तरीका और डिसिप्लिन कैसा है? बहुत ही अच्छा है सर, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। और सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और समझ भी आ जाता है। अच्छा, समय पे सिलेबस खत्म होता है या नहीं होता है? हाँ, समय पे सिलेबस खत्म हो जाता है। ये सर, कितने साल से जुड़े हो परफॉर्मेंस कोचिंग में? मात्र यही 2 साल 2.5 साल से मैं यहाँ पे पढ़ने आ रहा हूँ। आप, वातावरण कैसा मिला, माहौल कैसा मिला, पढ़ने का माहौल कैसा मिला? पढ़ने का माहौल यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिला और वातावरण भी, इसीलिए तो हम 2 साल से 2.5 साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सर का बिहेव कैसा लगा? बहुत अच्छा है सर का बिहेव। हिमांशु सर का बिहेव कैसा लगा? वो सर का भी बहुत ही अच्छा है बिहेव। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा समझ में आता है? हम तो सारे सब्जेक्ट ऐसे ही समझते हैं, सबको बराबर से समझते हैं। देख सकते हैं ये जितने भी बच्चे हैं एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और इस बार 10th का फाइनल एग्जाम देने वाला है। तो चलिए आज हम जानते हैं बच्चों से क्या रिव्यू है। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ का डिसिप्लिन कैसा है? बहुत अच्छा। सिलेबस सही टाइम पे खत्म हुआ या नहीं हुआ? हाँ। टेस्ट कितने वीक में कितने बार हो जाते हैं? 5-6 बार महीना में। वीक सप्ताह में 2-3 बार हो जाता है। अच्छा है, अच्छे से पढ़ाते हैं, समझा कर पढ़ाते हैं और लिखाते भी समझा कर। बहुत अच्छा लगता है यहाँ की डिसिप्लिन। सर का बिहेव कैसा है? बहुत अच्छा है। कोई भी सब्जेक्ट समझ में आता है या नहीं आता है? आता है, हर सब्जेक्ट समझ आता है, समझाते हैं तो। अच्छा, एग्जाम देना, इसी बार एग्जाम देना है ना 10th का? हाँ। सवाल करूँ क्या? मैथ का सवाल करूँ? बताओ वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल बोलो। पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर क्या है यहाँ पे? आर त्रिज्या। त्रिज्या है। बताओ वृत्त में सबसे लंबी जीवा किसे कहा जाता है? वृत्त नहीं याद आ रहा। व्यास। बैठ जाओ। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे हमेशा समझा कर पढ़ाया जाता है और समझा कर लिखाया भी जाता है, और किसी को समझ नहीं आता है तो बेझिझक ही पूछ लिया जाता है और सर अच्छा से बताया भी देते हैं। सप्ताह में कितने बार टेस्ट हो जाते हैं? सप्ताह में 2-3 बार टेस्ट हो जाता है। अच्छा, और मतलब जो टेस्ट में समझ नहीं आता है पूछ सकते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस कोचिंग ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए लोग? जिसको जहाँ पे समझ आता है वहीं ना पढ़ेगी, मतलब कोई भी, जैसे हमको यहाँ पे समझ आता है तो हम यहीं पढ़ने आते हैं। अच्छा, डिसिप्लिन बोला जाए, वातावरण तो कैसा मिल जाता है? हाँ, तो यहाँ पे अच्छा वातावरण है, यहाँ पे किसी के साथ मतलब एक ही जैसा किया जाता है, एक ही जैसा बिहेव किया जाता है। सिलेबस सही टाइम पे खत्म होता है या नहीं खत्म होता है? सिलेबस सही टाइम पे खत्म कर दिए हैं सब पहले ही।
कोई भी सब्जेक्ट बचा है कि नहीं है? अभी तो बस भूगोल का चैप्टर बचा हुआ है थोड़ा सा। थोड़ा सा कैसा लगा सर का पढ़ाने का तरीका और एक साल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा सर का बताओ। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, यहाँ पे मतलब समझ नहीं आता फिर से पूछ सकते हैं, मतलब कोई डाउट डाउट भी क्लियर किया कराया जाता है। कराया जाता है यहाँ पे, सर का फोन नंबर है, यहाँ पे बोलते हैं कि अगर कोई समझ क्वेश्चन नहीं आता तो आप फोटो खींच के भेज सकते हैं वहाँ पे। अभी तक कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा ज्यादा समझ में आया? सबसे अच्छा मैथ साइंस। मैथ और साइंस? हाँ। और हिस्ट्री है भी अच्छा। कहाँ से आती हो? सिमनार से। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ये बताओ क्या बोलता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बताओ वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr। पाई क्या है यहाँ पे? पाई क्या मान होता है? पाई का मान 22/7 होता है। दशमलव मान क्या होता है? 3.14। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। परिमाप क्या होता है? 4×भुजा। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का πr²h। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। कितने भुजा होते हैं? 3। कितने शीर्ष होते हैं? 3। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अपर कोण कितना डिग्री होता है? कितना होता है पर कितना होता है? 60 डिग्री होता है। हमारे साथ विक्की जुड़ेगा। विक्की क्या कहना चाहते हो परफॉर्मेंस कोचिंग के बारे में? मैं जितना कहूँ उतना कम, क्योंकि मुझे यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा महसूस होता था। यहाँ पर सभी सुविधा मौजूद है, यहाँ पर प्रोग्राम और कहीं पर भी कुछ होता है तो यहाँ पर मतलब पार्टिसिपेट करने का यहाँ से मौका मिलता है। अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं? जैसे टेस्ट का हो गया या मंथली टेस्ट या कहीं पर मतलब बाहर में जो टेस्ट होता है मतलब प्रखंड लेवल का प्रस्तुत किया जाता है। मौका मतलब देते हैं सर की एक बार वहाँ पर प्रयास कर लें। अच्छा, बाहर कहाँ कहाँ गए हो अभी तक? अभी तक तो ज़्यादा नहीं गए हैं, बस दो स्वामी विवेकानंद कॉलेज महिला कॉलेज मोकामा वहाँ गए हैं और रामानुजन का एग्जाम हुआ था बस मतलब दिसंबर में, तो उसमें भी दिए थे तो उसमें नहीं। हाँ, स्कॉलरशिप लगे। एक्स संस्कृत पुस्तकालय मोकामा में है तो वहाँ पर भी गए थे। अब फिर इधर 1/7 को एग्जाम है तो वहाँ पर भी जाना है। पढ़ने में मन लगता है या नहीं? बहुत लगता है। किस क्लास में हो? 10th। 10th का क्वेश्चन करूँ क्या? बोलिए। बताओ सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सम चतुर्भुज का 1/2 विकर्णों का गुणनफल 1/2 d1 × d2। किस क्लास में पढ़ती हो? 11th क्लास में। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? और हिमांशु सर क्या पढ़ाते हैं? बायोलॉजी। समझ में आता है क्या? हाँ। कितने सालों से पढ़ रही है यहाँ पर? 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। अच्छा। यहाँ का वातावरण कैसा लगा, माहौल कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। और हिमांशु सर क्या पढ़ाते हैं? बायोलॉजी। अच्छा, डाउट क्लियर कराते हैं यहाँ पे? हाँ। टेस्ट वगैरह होता है? हाँ। सब में हाँ, कुछ अलग नहीं बोलना है, ठीक है? कुछ नहीं तो हाँ, तो हम हाँ ही बोलेंगे। कितने सालों से जुड़ी हो इसमें? 10th से। एग्जाम कब है? एग्जाम 2025 में। 25 में। हाँ। हम रूपा कुमारी है, मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ 3 साल से पढ़ रही हूँ और सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं हिमांशु सर। कैसा समझ में आता है कि नहीं? हाँ, अच्छा समझ में आता है। हिमांशु सर का बिहेव कैसा है पढ़ाने में? बहुत अच्छा है। अच्छा, वातावरण कैसा मिलता है, माहौल कैसा मिलता है? यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। डिसिप्लिन ठीक है, अच्छा लगता है पढ़ने में भी। अच्छा, बायोलॉजी समझ में आया कि नहीं? समझ में आता है। कौन सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं? हिमांशु सर। सर का तरीका कैसा लगा? अच्छा है, तरीका भी अच्छा है, समझ में भी आता है। डाउट क्लियर कराते हैं? हाँ। एक बच्चे को क्यों जुड़ना चाहिए परफॉर्मेंस कोचिंग? यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, आना चाहिए। हाँ। मैं बबली कुमारी क्लास 11th में पढ़ती हूँ। यहाँ पर सर बायोलॉजी, हिमांशु सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सभी बच्चे को यहाँ आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन और तरह तरह के टेस्ट भी लिए जाते हैं। मैं 2023 की परफॉर्मेंस कोचिंग सेंटर की टॉपर हूँ, रह चुकी हूँ। मेरा स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ापुर था, 449 आया था। स्कूल के भी मैं टॉपर ही हूँ। टॉपर आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? बहुत ज्यादा। कितने घंटा पढ़ाई करे? मैंने घंटा गिन के नहीं पढ़ा, मतलब
10-12 घंटा पढ़ ही लेती हूँ। 10-12 घंटा। सबसे ज्यादा सबसे अच्छा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आया? मैथ में। मैथ में कितना मार्क्स आया? 96। जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या कहना चाहोगी और बाहर के बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगी कि हम टॉपर के लिए? सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए जितना सब अपना मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहिए। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा है। समझ में आता है क्या? हाँ समझ में आता है और डाउट भी क्लियर करवाते हैं सर। कब से जुड़ी हो परफॉर्मेंस कोचिंग में? 9th क्लास से। डिसिप्लिन वातावरण कैसा मिलता है? बहुत अच्छा। हिमांशु सर बायोलॉजी कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और डाउट भी क्लियर करवाते हैं यहाँ पे। क्या नाम है? साक्षी कुमारी। कैसा लगा पढ़कर परफॉर्मेंस कोचिंग में? बहुत अच्छा लगा। पायल कुमारी, मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया होता है। बायोलॉजी हिमांशु भैया पढ़ाते हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, डाउट क्लियर करते हैं और जिन्हें भी। तो हमारे साथ मोहन सर जुड़ेंगे और मोहन सर पढ़ाते हैं इंग्लिश। सर क्या कहना चाहिएगा, एक बच्चा को इंग्लिश से पढ़ाना कितना कठिन है? आजकल लोग बोलते हैं कि बिहार में मैथ सबसे ज्यादा बच्चों को समझ में आता है लेकिन इंग्लिश समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो कैसे एक बच्चे को आप कैसे पढ़ाते हैं जो इजी कर देते हैं? इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, मतलब अगर पढ़ाने वाला ठीक है तो ये कमजोर से कमजोर बच्चा को भी सिखा देगा इंग्लिश। अगर बस यहाँ पे भी इंग्लिश पढ़ाया जाता है, बस ABCD से पढ़ाया जाता है, तो जो कमजोर बच्चा होता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि ताकि वो बच्चा अच्छा से पढ़े और आगे तक जाए, कि 12 से आगे भी अगर कोई भी आए क्वेश्चन वगैरह तो वो देख सके, हैंडल कर सके। सर आप ग्रामर पढ़ाते होंगे? हाँ जी सर। बुक वगैरह, बुक का जितने भी समरी वगैरह होगा वो सब? हाँ जी सर। हाँ, लिटरेचर भी चलता है और ग्रामर भी, पहले बेसिक चलता है उसके बाद फिर धीरे धीरे लेवल अप करते जाते हैं। सर ब्रह्मपुर के बच्चे में आपने क्या देखा, क्या कमजोरी देखा या सब माइंड के शार्पेन है? यहाँ पे इंग्लिश, बस इंग्लिश को लेके मैक्सिमम बच्चे डरते हैं कि इंग्लिश समझ में नहीं आता, समझ में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत कम समय में अच्छा किया जा सकता है अगर प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जाए तो। अच्छा एक बेलन में कितने बिर्थ होते हैं? दो, ऊपर और नीचे। शंकु का बकफिस्ट क्षेत्र क्या होता है? शंकु का πRL। देख सकते हैं ये बच्चा स्माइली है, जहां भी जाओगे स्माइल ही करेगा। और देख सकते हैं क्या नाम है? गुड्डू कुमार। अच्छा कैसा लगता है पढ़कर यहाँ पे? अच्छा लगता है। क्यों पढ़ना चाहिए परफॉर्मेंस कोचिंग में? क्योंकि यहाँ अच्छा तरह का समझाता है, आप नहीं समझते हैं तो पूछ सकते हैं, जितना बार आपको लगता है समझ में नहीं आता उतना बार पूछ सकते हैं, यहाँ अच्छा समझाया जाता है। सन ग्लासेस बंदा पहना हुआ, कैसा लगता है पढ़ने में, मन लगता है या नहीं लगता? मन तो बहुत लगता है पढ़ने में, अच्छा भी लगता है यहाँ पे। अच्छा। तरीका कैसा है सर का पढ़ाने का? सर का तरीका बहुत अच्छा है, यहाँ पे सर जिस तरीके से समझाते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, और नहीं समझ में आता है तो दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा। तो हमारे साथ अभी हैं परफॉर्मेंस कोचिंग के डायरेक्टर हैं करण सर, आज सर से बात करेंगे। सर ये कैसे माइंड में आया कि बच्चों का भविष्य ब्राइट करना है, आगे बढ़ाना है? आप एग्जाम का तैयारी भी कर सकते थे और अपना ब्राइट, अपना भविष्य ब्राइट कर सकते, कैसे ही सब दिमाग में आया? जी हमारे एरिया में शिक्षा बहुत पीछे चल रहा था और हम पढ़ लिए तो लगाने की एक आदमी को पढ़ने से पूरा गांव मेरा पढ़ लेगा, तो सोचे कि यहाँ पे ने एक कोचिंग खोलें। और कोचिंग खोलने का पर्पस ये था कि मेरा एक दोस्त था ना, बोला कि जब तुम नहीं आओगे मेरा एरिया में पढ़ने के लिए तुम्हारा यहाँ कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। हम बोले ठीक है, देख कोशिश करते हैं कि हम पढ़ा पाते अपने एरिया वाले को। तो ऐसा लगा कि जब फर्स्ट टाइम में खोले तो लोग बहुत नहीं पढ़ने वाले थे, बहुत गार्जियन को पढ़ाना पड़ा कि जो तो आप अपना बच्चा को भेजिए, उससे अगर फी होता है दीजिए, नहीं तो नहीं भी दीजिएगा। तो कुछ कुछ भेजा, वैसे वैसे हुआ कि फिर पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ लोग जब फर्स्ट उस्ट करने लगे, कुछ सरकार का पैसा 10,000 रुपया मिलने लगा, बोला कि मैंने फलना को पैसा मिलता है तो हम भी भेजेगा पढ़े बच्चा के। वैसे करते करते आज ऐसा है कि देखिए अगल बगल के जितने भी गांव है उसमें ब्रह्मपुर में पढ़ने वाले की संख्या उससे ज्यादा है। सर किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा अभी तक, शुरुआत से और अभी तक? मैंने फर्स्ट टाइम में तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी मेरे पास व्यवस्था नहीं था, तो नीचे ही बैठाते थे लोगों को। और उसके बाद क्या हुआ, बहुत लोग पढ़ना ही नहीं चाहता था, जबरदस्ती पढ़ाते थे। उसके बाद कुछ हुआ कि मैंने कुछ यहाँ तो लोग पीता होता बहुत था तो बच्चे पे ध्यान देता नहीं था, हम बोले कि जे आप पीने पीते खर्च करते हो, किताब उताब तो दे सकते हैं आप बच्चे को, तो दिया कुछ लोग।
वैसे करते करते अब बहुत आगे बढ़ गया है लोग, अब यहाँ कुल अच्छा स्कोर भी करता है विद्यार्थी। सर यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है और क्लास कहाँ तक चलता है? यहाँ क्लास 7th से लेकर 12th तक ऑल सब्जेक्ट, सभी क्लास का, और इसमें 7th से लेकर 12th तक सभी विषय का पढ़ाई होता है यहाँ पे। और कोशिश करते हैं कि अच्छा हो, जितना संभव हो सके कोशिश करते हैं हमेशा कि अच्छा ही हो। और ऐसा भी रहता है कि कोई विद्यार्थी पैसा के अभाव में ना पढ़ पावे, ये भी नहीं, कुछ लोग को तो कोशिश करते हैं कि पैसा नहीं भी है तब भी पढ़े, और भी कोई समस्या है तो बात रखे, उसका कोशिश करते हैं समाधान निकालें उसको। सर टेस्ट वगैरह भी होता है क्या? हाँ, कोशिश, यहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, मतलब चैप्टर खत्म हुआ और टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कंपटीशन भी कराते हैं बाहर, बाहर के कॉलेज या स्कूल में भी हम लोग वहाँ पे भेजते हैं बच्चे को, तो कोशिश ये करते हैं इनकी, मतलब मेरे अनुमंडल में या राज्य में कहीं भी जिस क्लास के विद्यार्थी है उस लेवल का अगर कहीं इंटरेस्ट एग्जाम होता है तो हम वहाँ बच्चे को भेजें और बच्चे अपना वहाँ अपना प्रतिभा को दिखावें। और इसी प्रकार से सुपर 30 हुआ, अभी उसमें बहुत लोग फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई किए हैं, और रामानुजन जयंती फिर मनाते हैं, संजय ठाकुर सर मुकाम वाला है तो उनमें भी ये लोग पार्टिसिपेट किया था। और अब जी तो बोर्ड की तैयारी चल रही है, कोशिश करते हैं कि अच्छा लोग तैयारी करें ताकि। कितने सालों से आप सेवा दे रहे हैं बच्चों का, कितने बच्चे अभी तक अच्छा मार्क्स लाके, सबसे ज्यादा अभी तक हाईएस्ट मार्क कौन सा बच्चा लाया? हम तो है सेवा जो है पढ़ाने के लिए 2017 से, मैं 20 अप्रैल 2017 को शुरू किए थे, और उसके बाद से देख रहे हैं कि विद्यार्थी में भी इंक्रीज हो रहा है, उसका मार्क्स में भी इंक्रीज हो रहा है, और मैक्सिमम मार्क्स जो रहा है क्लास 10th में ये 449 नंबर था। कब की बात है सर, कितने साल की? ये अगले साल का बात है, पिछले साल का बात है, मतलब 2022-23 का जो एग्जाम दिया था लोग उनके लिए, और 12th में भी अच्छा ही मार्क्स रहा है। आगे का क्या प्लान है सर इन बच्चों के लिए? आगे प्लान है ये बच्चे को कि लोग यहाँ, मेरे यहाँ के लोग क्लास 10th 12th पास करने के बाद सोचता था पढ़ाई खत्म हो गया, नहीं, अब ये लोग को चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग के कॉम्पिटिशन में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, जैसे हुआ पारा मेडिकल, पॉलिटेक्निक, AIIT, AAA, वो अब तो खत्म हो गया, अब लेता है JEE, इस टाइप के एग्जाम में IIT तक भेजें। कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ बेसिक देकर ये लोग को पटना चल जाए, जहाँ पे सुविधा इनको मिल पाए पढ़ने लिखने का, वहाँ जाकर तैयारी करें इसका। और नहीं तो गाँव में जो रहता है, चाहते हैं कि उसको कम से कम जनरल कॉम्पिटिशन में SSC, बैंकिंग, रेलवे, और इसका भी व्यवस्था बहुत जल्दी यहाँ पे कर दे रहे हैं। थैंक यू सर। तो हमारे साथ हिमांशु सर हैं, और हिमांशु सर से मैं बात करूंगा। सर आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ और कहाँ तक? शिक्षा दीक्षा तो मेरा बस यही मोकामा से, और जो ग्रेजुएशन हुआ था वो NS कॉलेज बाढ़ से। कब ये सब माइंड में आया सर कि बच्चों को पढ़ाना है, उनके भविष्य को आगे ले जाना है? कब, वही 2017 से हम भी यहाँ जुड़े हैं PCC से, तो हमको लगा कि मतलब कुछ हम भी मतलब अपना समाज में शिक्षा का योगदान दें। और कुछ ऐसे बच्चे हमारे गांव में थे जो कि बहुत ही, यानी हमारा गांव बहुत अनपढ़ था, हम सोचे कि यानी पिछड़ा गांव था ना, बहुत ही, यानी शिक्षा के क्षेत्र में और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यानी दोनों के क्षेत्र बहुत पिछड़ा था। हम सोचे कि यानी हम भी यानी शिक्षा में जो कि ज्वाला यहाँ पर ला सकते हैं, यानी कुछ पहले चिंगारी उसके बाद ज्वाला आ सकता है। तो यानी सबसे पहले हम सोचे कि यानी हर घर में हर बच्चा पढ़े और यानी हमारे समाज का नाम रोशन कर सके। कितने सालों से सर आप पढ़ा रहे हैं? हम यहाँ 5 साल से पढ़ा रहे हैं। सर इन बच्चों में, बिहार बरहपुर के बच्चों में आपने क्या देखा ऐसा कुछ टैलेंट वगैरह? बरहपुर के बच्चे में शिक्षा का हुनर है, लेकिन वही है कि यानी अर्थव्यवस्था और परिस्थिति जो है यानी यहाँ बहुत सारे बच्चे को उलझा के रखता है। और कुछ गार्जियन से हम निवेदन जरूर करेंगे कि यानी हर घर में अपने बच्चे को निश्चित समय पर अपना शिक्षा दें, और हमारा जो बरहपुर समाज के जितने भी लोग हैं यानी यह PCC का बहुत योगदान देते हैं, यानी बहुत ही यानी सपोर्ट करते हैं, और ख़ास करके जो बरहपुर के युवा हैं, यानी बरहपुर के युवा जो हैं यानी परफॉर्मेंस कोचिंग के तरफ बहुत से यानी अग्रसर रहते हैं और उनका योगदान बहुत रहता है। सर बहुत सारे बच्चे भी देख रहे हैं, उनको क्या करना चाहिएगा परफॉर्मेंस के बारे में? देखिए शिक्षा यानी स्वतंत्र है, यानी आप कहीं भी जाके पढ़िए, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत ही बहुत यानी
अभी के समय में हर व्यक्ति को शिक्षा होना जरूरी है। शिक्षा का माध्यम ये नहीं कि आप जॉब कीजिए, शिक्षा एक संस्कार होता है। आप जिस तरह से शिक्षा लीजिएगा उस तरह का आपका संस्कार होगा, यानी शिक्षा एक योग्यता है। आप जितना यानी समय तक आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, जीवन और मृत्यु के काल तक यानी शिक्षा यानी हर समय अपने चरम उत्कर्ष पर रहता है। सर, अभी तक आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? यानी यहाँ पर यानी बहुत सारे मुश्किल होते हैं, यानी थोड़ा सा यानी बच्चे को पढ़ाने में, क्योंकि यानी बोले कि यानी मेरा समाज जो बढ़पुर है यानी अनपढ़ है और अर्थव्यवस्था यानी कमजोर है, यानी हर स्थिति को देखते हुए यानी हम कोचिंग में यानी फी का यानी ये सब सबको गार्जियन को बुलाते हैं। तो यानी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं यानी जो कि पैसा की कमी के कारण जो है कि यानी नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम उनको यानी चाहते हैं कि यानी शिक्षा जो है कि यानी पैसा के अभाव में कोई छोड़ न सके। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, यहाँ पे अच्छा से समझाया भी जाता है, समझ में नहीं आता है तो दोबारा से पूछते हैं और सर बताते भी हैं। खत्म हो गया है और थोड़ा सा भूगोल बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा। कब से जुड़ी हो परफॉर्मेंस कोचिंग में? हम 10 अप्रैल से आए थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। सर का बिहेव कैसा लगा? सर का बिहेव सब बच्चे के प्रति अच्छा ही है, यहाँ पे पढ़ाते भी अच्छा है। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है और अच्छा से समझाया जाता है। और देख सकते हैं हमारे साथ सनी है। सनी, क्या कहना चाहोगे परफॉर्मेंस कोचिंग के बारे में? परफॉर्मेंस कोचिंग में सभी विषयों के पढ़ाई अच्छा से किया जाता है और यहाँ पर सभी चीज का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाता है। और किसी बच्चा को अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी यहाँ पर कराया जाता है। और यहाँ पर सभी चीज का पहले मतलब कि कोई भी क्वेश्चन बताया जाता है उसके पहले उसका सूत्र पूरा डिफिनेशन के साथ हमके बताया जाता है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट पहले पूरा कराया जाता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे डील करते हैं। यस। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा समझ में आया? यहाँ पर तो सभी सब्जेक्ट हमको अच्छा लगता है, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, सभी सब्जेक्ट हमको अच्छा लगते हैं। बहुत सारे बरापुर में बहुत सारे कोचिंग है, परफॉर्मेंस कोचिंग ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए लोगों को? परफॉर्मेंस कोचिंग मतलब कि बहुत अच्छा से मतलब कि समझाया जाता है और जहाँ पर जिसको समझ में आता है वहाँ पर पढ़ना चाहिए। सर पहले ही बोल दिया था कि जहाँ पर आपको आता है समझ वहाँ पर जाइए, तो देखें कि हमको अच्छा यहाँ पर डाउट क्लियर कराया जाता है ना। यहाँ पर मास का भी हर साल बढ़ते जा रहा है तो, नहीं समझे मतलब क्या बोल रहे हो? मतलब यहाँ पर इतना अच्छा से पढ़ाया जाता है, मार्क्स भी यहाँ पर बढ़ते अच्छा, जा रहा है, मतलब अच्छा से पढ़ाते हैं, मार्क्स भी आता है ना। सो तो मेहनत मतलब अनुमंडल क्षेत्र में जो भी प्रोग्राम होता है उसके लिए हम सबको अभियंत्रित किया जाता है, मतलब आगे बढ़ने का मौका मिलता है। क्या नाम है बाबू? मनीष कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास। कैसा लगा परफॉर्मेंस कोचिंग में पढ़ के, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है, सभी क्वेश्चन का सॉल्व होता है, घर से जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो भी यहाँ सॉल्व होता है। कोई प्रॉब्लम भी किसी तरह का दिक्कत? अभी तक दिक्कत नहीं है। कितने साल से जुड़े परफॉर्मेंस कोचिंग में? 2 साल से।